हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म धड़क। एक्चुअली आज मैं इस फिल्म को दो तरीके से रिव्यू करने वाला हूँ, एक तो टेक्निकली और दूसरा एक आम इंसान की सोच के साथ। क्योंकि फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए होता है तो मेरा मानना है कि एंटरटेनमेंट यानी कि आपका दिल खुश हो, दिल और दिमाग भारी न लगे। फिल्म के लीड रोल्स में है ईशान खट्टर, जानवी कपूर, अंकित बिष्ट, आदित्य कुमार और आशुतोष राणा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये फिल्म रीमेक है एक मराठी फिल्म सैराट की, तो जिन लोगों ने सैराट फिल्म देखी है वो लोग उस फिल्म से इस फिल्म को कंपेयर जरूर करेंगे। फिलहाल मैं इस फिल्म की बात करूंगा। राजस्थानी एक्सेंट से बात को शुरू करते हैं। ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लगा कि फिल्म में राजस्थानी कम बोली जा रही है और हरियाणवी ज्यादा बोली जा रही है, लेकिन जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको ठीक लगेगा। एक्टरों द्वारा राजस्थानी लैंग्वेज को बोलने की अच्छी कोशिश की गई है। एक्चुअली फिल्म कहीं पर भी बेस्ड हो, लेकिन वो फिल्म बनाई जाती है पूरे इंडिया के ऑडियंस के लिए, तो अगर सिर्फ उसी एरिया की ठेठ लैंग्वेज को यूज किया गया फिल्म में तो बाकी के लोगों को शायद वो लैंग्वेज समझ में न आए, इसलिए थोड़ा सा हिंदी का मिक्सअप अक्सर किया जाता है। सिर्फ राजस्थानी लोग फिल्म में बोली गई लैंग्वेज में थोड़ी बहुत गलती निकाल सकते हैं, बाकी लोगों को ये लैंग्वेज ठीक ही लगेगी। बात करते हैं फिल्म की कहानी की, जो कि आप सब जानते ही होंगे। अलग जाति के लड़का लड़की दोनों के बीच प्यार, लड़की के घर वाले दबंग, उनका लड़के लड़की के पीछे पड़ जाना, ये सब आप जानते हैं, इसलिए हम फिल्म की स्टोरी पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिल्म के फर्स्ट हाफ तक ये एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है, जिसमें एक लड़का लड़की को इम्प्रेस करने के लिए इधर उधर की बचकाना हरकतें करता रहता है। लड़की के लिए लड़के का दीवानापन फिल्म में देखा जा सकता है, उसके बाद लड़की का मान जाना और उसके बाद फिल्म में होती है घर वालों की एंट्री। लेकिन फिल्म की पिक्चराइजेशन अच्छी है, बल्कि कुछ सीन्स में आपको स्क्रीन प्ले भी काफी इम्प्रेस करेगा। फिल्म क्योंकि उदयपुर बेस्ड है तो वहां के फोर्ट और झील सीन को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। जानवी कपूर फिल्म में काफी खूबसूरत लगी है, उनके छोटे छोटे गेस्चर्स पोस्चर्स काफी इम्प्रेसिव लगते हैं। एक घमंडी लड़की के किरदार को काफी हद तक उन्होंने अपने कैरेक्टर में लाने की कोशिश की है। ईशान खट्टर की ये दूसरी फिल्म है, लेकिन वो अपनी एक्टिंग का लोहा अपनी पहली फिल्म में ही मनवा चुके हैं। इस फिल्म में वो एक लवर बॉय के साथ साथ एक डरे सहमे आशिक के किरदार में नजर आते हैं। कहने का मतलब है कि एक टिपिकल बॉलीवुड वाला हीरोइज्म फिल्म में नहीं दिखाया गया है, जिसकी वजह से उनका किरदार और ज्यादा पावरफुल लगता है। पुलिस से पिटाई खाते वक्त अचानक से वो उसके आगे हाथ जोड़ लेता है और उसके बाद वो पुलिस वाला उसे और ज्यादा धमकाता है, जिससे ये पता चलता है कि फिल्म को रियलिटी के काफी करीब रखने की कोशिश की गई है। गैंग्स ऑफ वासेपुर का परपेंडिकुलर तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदित्य कुमार की। इस बार फिल्म में वो भी नजर आते हैं, लेकिन उनका गेटअप और उनका किरदार बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाता है। हालांकि वो अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनके गेटअप पे थोड़ा और काम करना चाहिए था। आशुतोष राणा एक दबंग और रसूख वाले किरदार में काफी जचते हैं। फिल्म में ईशान के दो फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने कुछ हद तक फिल्म को लाइट रखने की कोशिश की गई है। उनके फिल्म में रहने से फिल्म में कुछ फनी मोमेंट्स देखे जा सकते हैं। फिल्म में प्रोडक्ट प्लेसमेंट की भी बाढ़ सी है। हल्दीराम से लेके खैतान फैन और उसके बाद जस्ट डायल, हर प्रोडक्ट को फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ लड़के का लड़की को पटाने में, लड़के का भोलापन दिखाने में और कुछ फनी मोमेंट्स में निकल जाता है। हालांकि फिल्म में सादगी रखी गई है और टीन एजर्स का प्यार, जो कि अक्सर अनमेच्योर होता है, इन सब चीजों पर डायरेक्टर ने अच्छा खासा काम किया है। टीन एजर्स नो डाउट इस फिल्म को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिलेट करके देखेंगे। फिल्म का सेकेंड हाफ स्लो हो जाता है और सच पूछे तो एक टाइम पर आके बोरियत लगने लगती है। इस बोरियत के खत्म होते होते फिल्म का क्लाइमेक्स आ जाता है। फिल्म के एक सीन में लड़का और लड़की सड़क पर लड़ रहे होते हैं और उनके आसपास से लोग भी गुजर रहे होते हैं। लोगों के गुजरने के इस सीन को पासिंग सीन कहते हैं, जो कि अक्सर फिल्म यूनिट के लोग ही करते हैं। पासिंग सीन देने वाले उन फिल्म यूनिट के लोगों को कई बार एक्टर्स के आगे पीछे से गुजरना पड़ता है, जब तक कि वो सीन ओके ना हो जाए। लेकिन इस सीन को शूट करते हुए और बाद में एडिटिंग के टाइम पर इस बात पर खास ध्यान दिया जाता है कि पासिंग सीन देने वाला कोई भी आदमी एक बार से ज्यादा उस सीन में ना नजर आया हो। लेकिन इस सीन में एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। एक लाल शर्ट वाला आदमी कई बार उस सीन में नजर आता है। जब ईशान पर कैमरा होता है तो वो उसके सामने से गुजर रहा होता है, और जब जानवी पर कैमरा होता है तो फिर वो उसके सामने से भी गुजरता नजर आता है। बाद में एक मास्टर शॉट जिसमें लड़का लड़की को पूरे फ्रेम में दिखाया जाता है, उस लास्ट के सीन में भी वो लाल शर्ट वाला आदमी नजर आता है। इतने बड़े प्रोडक्शन की फिल्म से ऐसी गलती एक्सेप्टेबल नहीं है।
फिल्म के क्लाइमेक्स का स्क्रीन प्ले बहुत यूनिक है। सीन्स इस तरह से आगे बढ़ रहा होता है कि आपको पता होता है कि फिल्म में क्या होने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी फिल्म में वो घटना घटती नहीं है, थोड़ा टाइम लेती है। फिल्म में आपको पता होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन किस तरह से होगा ये आप सोचते रहेंगे, और फाइनली नहीं बताऊंगा। फिल्म का म्यूजिक दिया है अजय अतुल ने और सॉन्ग्स भी काफी अच्छे हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक उतना इंप्रेस नहीं करता है और कई जगह तो वो सीन्स को सपोर्ट भी नहीं करता। फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में कुछ पल के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम साइलेंट कर दिया जाता है और लिटरली ये साइलेंस ही उस सीन को और ज्यादा पावरफुल और मीनिंगफुल बनाता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को फिल्म की कहानी के बारे में पता है तो उन्हें कुछ खास नया देखने को नहीं मिलेगा और ये फिल्म पूरी तरह से आपको बांध के भी नहीं रख पाती है। अब आते हैं एक आम इंसान वाले रिव्यू पर, जिन्हें फिल्म की टेक्निकल चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होता है बल्कि वो सीधे सीधे फिल्म की स्टोरी देखने में विश्वास करते हैं। ये फिल्म कुछ हद तक तो उन लोगों को अच्छी लगेगी, लेकिन अगर ये फिल्म उनकी लाइफ से रिलेट करती होगी या फिर उनके किसी जानने वाले की लाइफ से रिलेट करती होगी तो डेफिनेटली ये फिल्म उन लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। और एक फिल्म अगर आपको डिस्टर्ब करे, टेक्निकली भले ही वो बहुत अच्छी फिल्म हो, तो भी आप उसे पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये मेरी सोच है, बाकी तो फिल्म देखना या ना देखना ये तो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है और प्रीमियर पर बहुत बड़े बड़े स्टार्स को इनवाइट करके फिल्म दिखाई गई थी, तो सब फिल्म का खूब गुणगान कर रहे हैं, जो कि लाजमी भी था क्योंकि पानी में रह के आप मगर से बैर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का रिव्यू फिल्म इंडस्ट्री के लोग दे रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। फिल्म के लिए मेरी अपनी एक अलग राय है। मैं इस फिल्म को देता हूं 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।